Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well. I welcome you all once again in the Maths Online class. I am your Maths Teacher. Today we will solve Exercise 7D Part 2 and Part 3. So now take out Unit 7, Exercise 7D, page number 84. Exercise 7D, page number 84, question number 2. शॉपकीपर बॉट अ प्रेशर कुकर फॉर रुपीज सिक्स फोर्टी एंड सॉल्ड इट टू अ कस्टमर फॉर रुपीज एट फोर्टी फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इस क्वेश्चन में है कि एक शॉपकीपर है उसने क्या किया प्रेशर कुकर खरीदा सिक्स फोर्टी का और उसको जो है सेल किया है कस्टमर को एट फोर्टी का तो अब हमने क्या करना है फाइंड करना है प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज को मतलब पहले हमने देखना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है देन हमने उसकी परसेंटेज को फाइंड करना है तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो सिक्स फोर्टी है एंड सेलिंग प्राइस जो है वो एट फोर्टी है तो मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो इट्स मीन्स यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट हुआ है तो हमने प्रॉफिट फाइंड करना है और प्रॉफिट की परसेंटेज को नाउ टेक आउट यूअर कॉपीज वी विल सॉल्व दिस सम ऑन कॉपी फर्स्ट यू राइट डेट एट 12 2020 focus exercise 70 reference page number 84 and 85 question a shopkeeper bought a pressure cooker for rupees 640 and sold it to a customer for rupees 840 find the profit or loss percentage data cost price of pressure cooker is rupees 640 selling price of pressure cooker is rupees एट फोर्टी प्रॉफिट अ क्वेश्चन मार्क सोल्यूशन वी नो डेट प्रॉफिट परसेंटेज ये हमारे पास है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सी पी विच इज कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई हंड्रेड तो पहले जो है इस फॉर्मूले के लिए हमें प्रॉफिट फाइंड करना होगा प्रॉफिट का फॉर्मूला है एस पी माइनस सी पी CP पी विजेज कॉस्ट प्राइज सेलिंग प्राइज इज़ एट फोर्टी हमने यहाँ पर 840 लिख लिया है माइनस कॉस्ट प्राइस जो है वो है 640, तो यहाँ पे 640 लिख लिया, है एट फोर्टी माइनस सिक्स फोर्टी is इक्ल टू टू हंड्रेड सो द प्रॉफिट इज़ टू देन प्रॉफिट परसेंटेज अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करें ये वाला हमारा फार्मूला है प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया है सी हमारे पास मतलब कॉस्ट प्राइस हमारे पास सिक्स फोर्टी है ये सारे जो है हमने फार्मूला में इसकी पुटिंग कर लेनी है प्रॉफिट की जगह हमने टू हंड्रेड लिख लिया है सी की जगह हमने सिक्स फोर्टी लिख लिया मल्टीप्लाई कर दिया है हंड्रेड के साथ यहाँ पर इसकी कटिंग हमने करनी है ज़ीरो और जीरो की कटिंग हो गई टू हंड्रेड को टेन के साथ मल्टीप्लाई करो तो टू थाउजेंड एंड डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो उसके के लिए हम करेंगे इसकी कटिंग तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग की है टू के टेबल के साथ टू के टेबल के साथ इसकी कटिंग हुई है टू वन थाउजेंड टाइम्स इज इक्वल टू टू थाउजेंड टू थर्टी टू टाइम्स इज इक्वल टू सिक्सटी फोर तो यहाँ पर हमारे पास वन थाउजेंड एंड थर्टी टू के साथ इसकी कटिंग हो गई तो अब यहाँ पे वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई थर्टी टू हमने इसकी और भी कटिंग करनी है करनी है टू की टेबल के साथ टू फाइव हंड्रेड टाइम्स इज़ इक्वल टू वन थाउजेंड टू टू सिक्सटीन टाइम्स इज़ इक्वल टू थर्टी टू यहाँ पर हमारे पास आया है फिर फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई सिक्सटीन इसकी और टू की टेबल टेबल के साथ कटिंग हुई है जिसका आंसर हमारे पास यहाँ पे आया वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फोर तो वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फोर की और मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती तो हमने अब इसको डिवाइड करना है डिवीजन यहाँ पर हमारे पास रफ फर्क में की गई है जिसका आंसर आया थर्टी वन पॉइंट टू फाइव यहाँ प्रॉफिट की परसेंटेज है हमारे पास थर्टी वन पॉइंट टू फाइव है द प्रॉफिट ऑफ शॉप कीपर इज थर्टी वन पॉइंट टू फाइव परसेंट अब सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारे पास है जैक बॉट अ बेट फॉर रूपीज फिफ्टीन थाउजेंड And later sold it रुपी फॉर रुपीज़ फ़ोर्टीन थाउजेंड कैलकुलेट हिज लॉस परसेंटेज जैक है उसने बेट खरीदा है fifteen thousand का और बाद में उसको सेल किया है fourteen thousand का तो इट्स मीन के यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट प्राइज़ है वो fifteen thousand है और सेलिंग प्राइस fourteen है कॉस्ट से सेलिंग प्राइस जो है वो कम है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर लॉस हुआ है तो हमने कैलकुलेट करना है लॉस की परसेंटेज को डेटा में लिखना है कॉस्ट प्राइस ऑफ बेड इज रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड बेड इज लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सोलूशन वी नो डेट ये हमारे पास लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाई सी पी विच इज कॉस्ट प्राइज मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो इस फॉर्मूले के लिए पहले हम जो है लॉस को फाइंड करेंगे तो लॉस का फॉर्मूला हमारे पास है सी पी माइनस एस पी सी पी इज कॉस्ट प्राइस एस पी इज सेलिंग प्राइस सीपी जो है हमारे पास फिफ्टीन थाउजेंड है सेलिंग प्राइस जो है फोर्टीन थाउजेंड है फिफ्टीन थाउजेंड माइनस फोर्टीन थाउजेंड इज इक्वल टू वन थाउजेंड अब हमने इसकी पुटिंग जो है लॉस की परसेंटेज वाली फार्मूले में करनी है तो लॉस की परसेंटेज के फार्मूले में हमने यहाँ पर लॉस की जगह वन थाउजेंड लिख लिया है सी पी कॉस्ट प्राइस जो है हमारे पास फिफ्टीन थाउजेंड है तो वो लिख लिया मल्टीप्लाई किया है हंड्रेड के साथ अब यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमने इसकी कटिंग की है थ्री जीरो तो थ्री ज़ीरो से यहीं पर कटिंग हो गई तो रह गया है यहाँ पे वन तो हंड्रेड को हमने मल्टीप्लाई किया है वन के साथ तो हंड्रेड डिवाइडेड बाई फिफ्टीन हमारे पास आंसर आए इसकी हमा, हमने यहाँ पर कटिंग की है फाइव के टेबल के साथ इसका आंसर आया इसकी मजीद और कटिंग नहीं हो रही तो हमने यहाँ पर इसकी डिवीजन की है जिसका आंसर आयास पॉइंट सिक्स सिक्स तो लॉस की परसेंटेज हमारे पास आई है सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंटेज Loss for selling bed is 6.66%. Hope you all understand these questions. In the next class, we will proceed with the remaining parts of this exercise.